Hello friends welcome back to my YouTube channel Education Arena today in this video i have brought the political science for class 12 second part of my video chapter politics of plant development so today we will discuss the remaining portion which we have not completed in the first part so if you have not watched the first part first go and watch the first part if you are the new in this channel please subscribe and share between your friends so let's start the video चलिए हम आगे देख लेते हैं द अर्ली इनिशिएटिव्स में देखते हैं क्या है तो इसमें पहला पॉइंट है कि फर्स्टली प्लानिंग वाज एक्सेप्टेड बाय द सोवियत रशिया मतलब कि पहले जो प्लानिंग अडॉप्ट की गई थी सोवियत यूनियन जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है उसने अडॉप्ट की थी कब 1928 में किस लिए फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए ठीक है सेकंड पॉइंट क्या है इंडिया ऑप्टेड फॉर फाइव ईयर प्लान्स मतलब कि जब रशिया ने जब एडोप्ट की इसको 1928 में उसके बाद इंडिया ने पता है आपको प्लानिंग कमीशन बनाया और इसको पंचवर्षीय योजना मीन्स फाइव ईयर प्लान्स के रूप में अपना लिया और ये बहुत सिंपल थी और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा आपका कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट इसमें क्या था देखिए प्लानिंग में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी दैट इज़ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम जिसमें क्या रहेगा उसके सारे इनकम और खर्चे मतलब कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ कहाँ खर्च होते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर अगले पाँच साल के अंदर कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे? ठीक है ये सारे हिसाब उसमें थे प्लान में चलिए आगे देखते हैं हम हमारा फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान उसको ड्राफ्ट किया गया और फिर वो कब रिलीज हुआ दिसंबर 1951 में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आ गया एंड इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री और इसको लेकर देश में बहुत एक्साइटमेंट थी ठीक है फिफ्थ पॉइंट क्या कल बोल रहा है कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डिस्कस एंड डिबेटेड द डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिव मतलब हर प्रकार के लोग देश में जितने प्रकार के लोग थे उन्होंने सब ने इस डॉक्यूमेंट को मतलब भारी तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्कस किया और डिबेट भी किया ठीक है सिक्स पॉइंट क्या बोलता है द सेकंड एंड थर्ड फाइव ईयर प्लान केम इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एंड इन नाइनटीन सिक्सटी वन रिस्पेक्टिवली मतलब कि सेकंड फाइव ईयर प्लान कब आया नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में और थर्ड नाइनटीन सिक्सटी वन हर पाँच साल में होता था तो पहला फिफ्टी वन में हुआ दूसरा फिफ्टी सिक्स में हुआ तीसरा सिक्सटी वन में हुआ चलिए आगे पॉइंट देखते हैं अब आगे सेवन पॉइंट को समझिएगा देखिए फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हो गया सेकंड फाइव ईयर प्लान हो गया थर्ड ईयर फाइव थर्ड फाइव ईयर प्लान हो गया लेकिन जब फोर्थ फाइव ईयर प्लान होने ही वाला था ठीक है बाय दिस टाइम द नोबेलिटी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइन जो ये प्लानिंग का वो था वो डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे क्यों क्योंकि इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता होगा कि 1962 में इंडिया फॉट अ वॉर विथ चाइना इंडिया ने चाइना के साथ लड़ाई की थी जिसमें इंडिया हार गया था तो इंडिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस की दिक्कत थी मतलब अर्थव्यवस्था इंडिया की तहस नहस हो गई थी इसीलिए फोर्थ प्लानिंग कमीशन सॉरी फोर्थ फाइव ईयर प्लान को क्या किया गया द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे मतलब उस चौथे फाइव ईयर प्लान को गवर्नमेंट प्लान नहीं करेगी ये था आपका एट पॉइंट ये था आपका अर्ली इनिशिएटिव ये आपका कंप्लीट होता है अब हम देखेंगे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो पहला फाइव ईयर प्लान था उसमें किस किस चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया गया ठीक है वो हम आगे देखने वाले तो हैं चलिए तो देखते हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान क्या कहता है तो पहला पॉइंट है कि द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान केम इन 1951 टू 1956 जैसा कि आपको पता है कि 1951 में पहला फाइव ईयर पहला पंचवर्षीय योजना आई जो कि 1956 तक चली ठीक है दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इट्स शॉर्ट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब इसका एम क्या था फर्स्ट फाइव फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का पहले पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था कि देश को देश को किससे बाहर निकाला जाए गरीबी से बाहर निकाला जाए ये था हमारा दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या था कि के एन राज अंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इंड ड्राफ्टिंग द प्लान के एन राज हैं जो ये एक यंग इकोनॉमिस्ट थे ये जो इन्वॉल्व थे जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को मतलब अपनाया जा रहा था ड्राफ्ट किया जा रहा था तो ये वहाँ पे थे इन you know, ये कहते हैं कि दैट इंडिया शुड हेस्टीन स्लोली फॉर द फर्स्ट टू टिकेट ये कहते हैं कि इंडिया को जो डेवलपमेंट है जो विकास का दर है जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसको टू टिकेट के लिए दो दशक के लिए थोड़ा धीरे कर देना चाहिए अगर धीरे नहीं करेंगे तो इट माइट इन डेंजर डेमोक्रेसी तो अगर धीरे नहीं करेंगे तो इससे हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को खतरा हो सकता है ये हमारे थर्ड पॉइंट थे समझ में आ गया होगा अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है तो हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है कि कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसमें एग्रेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कृषि क्षेत्र को इम्पोर्टेंस दिया गया महत्व दिया गया जिसमें डैम्स और इरिगेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया डैम्स बनवाए गए इरिगेशन के लिए सिंचाई उंचाई के लिए ठीक है तो मतलब कृषि के क्षेत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं क्योंकि फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जब हमारा देश विभाजित हुआ था मतलब वेन कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान सो आफ्टर इट एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा घाटा एग्रीकल्चर सेक्टर को हुआ था इसलिए पहले फाइव ईयर प्लान में कृषि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही ठीक है सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि यूज़ एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखरा नंगल डैम मतलब कि जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ किया गया ठीक है जैसे कि भाखरा नंगल डैम बनवाया गया ठीक है तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने क्या किया अलाउ किया चलिए इसी के अंदर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं लास्ट पॉइंट कहता है कि जो बेसिक एम था प्लानर्स का वो क्या था वॉज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था और राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी जब लोग खर्च कम करेंगे और बचाएंगे ज़्यादा अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फाइव ईयर प्लान की तो इसमें पहला पॉइंट बनता है कि द सेकंड फाइव ईयर प्लान्स स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज कहने का मतलब कि आपको पता है कि पढ़ चुका हमने कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई उसके लिए काम किया गया और सेकंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज के लिए हैवी इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रेस किया गया उसमें काम किया गया दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट वाज ड्राफ्टेड बाय टीम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्लानर्स मतलब इसको ड्राफ्ट किया गया था किसके एक टीम थी इकोनॉमिक्स की और प्लानर्स की उसके द्वारा जो कि किसके अंडर लीडरशिप में थे पीसी मलोन मलहनबिस ये नाम जरूर याद रखिएगा सेकंड फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड है पीसी मलोन मलोहनबिस इन्हीं के लीडरशिप में क्या किया गया सेकंड फाइव ईयर प्लान्स को ड्राफ्ट किया गया थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा द सेकंड फाइव ईयर प्लान वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में के एम राज ने कहा था कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसको टू डिकट के लिए धीरे कर देना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है उसको खतरा है बट इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया इसमें क्या किया गया ये तुरंत बदलाव लाना चाहते थे क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना चाहते थे ठीक है हमारा फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं तो गवर्नमेंट इम्पोज सबस्टेड टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स मतलब सरकार ने क्या कर दिया था जो बाहर की चीज़ें हमारे अंदर देश में आ रही थी इम्पोर्ट्स हो रही थी उसमें कुछ टैरिफ लगा दिया मतलब टैक्स लगा दिया जिससे क्या होने लगा जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं मतलब जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा होने लगा उनकी रक्षा होने लगी ठीक है क्योंकि बाहर के जब लोग आएंगे तो पहले क्या था विदाउट टैक्स दे कैन कम अवर इन कंट्री ठीक है अब क्या करने लगे वो उनको टैक्स देना पड़ेगा तो इससे हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका फ़ायदा होगा क्लियर हो गया चलिए आगे देखते हैं क्या है अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ केरला मॉडल ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है तो केरला मॉडल को समझ लीजिए होता क्या है जो स्टेट है हमारा केरला उसके द्वारा जो रास्ता जो तरीका या फिर जो मॉडल अपनाया गया प्लान करने का और डेवलपमेंट करने का उसी का नाम दे दिया गया केरला मॉडल पॉइंट में आपको मिल जाएगा द केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू द पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड बाय द स्टेट ऑफ केरला ठीक है अब देखिए इस मॉडल में किन चीज़ों पर फोकस किया गया तो इन मॉडल इन मॉडल में फोकस किया गया एजुकेशन पर हेल्थ पर लैंड रिफॉर्म पर इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर्टी एलिवेशन पर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर डिस्पाइट लो पर कैपिटाइन का मतलब कि लो कैपिटल इन कैपिटल इनकम होने के बावजूद और और रिलेटिवली वीक इंडस्ट्रियल बेस इंडस्ट्रियल बेस भी वीक था फिर भी केरला अचीव नियरली टोटल लिटरेसी केरला ने टोटल लिटरेसी अचीव कर ली लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी अचीव कर ली लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टैलिटी अचीव कर ली लो वर्थ रेट्स एंड हायर एक्सेस टू मेडिकल केयर भी अचीव कर ली यही था केरला मॉडल ठीक है क्लियर हो गया होगा और आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो केरला के टीचर्स होते हैं वो अदर स्टेट्स में जाके पढ़ाते हैं क्यों क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट ज़्यादा है किसी स्टेट की तो वो है केरला की क्लियर हो गया सब लिए अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है टू के पेपर में अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा कि जो भाखरा नंगल डैम है वो किस रिवर पर बना है तो वो सतलज रिवर पर बना हुआ है ठीक है और दूसरा डैम है हीराकुंड डैम वो महानदी पर बना हुआ है ठीक है अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्वेंटी में टू में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है पूछा जाएगा ही जाएगा वो है दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको एक बता चुका हूँ नीति आयोग और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन तो अब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन बताने जा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है देखिए आगे इस ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने की कोशिश करिएगा आप आंसर अपने से बना सकते हैं ठीक है तो देखिए मैंने आपको बताया कि 1960 वाले समय में जब 1960 चल रहा था 61 चल रहा था 70 तक तो हमारे देश के हालात बहुत ख़राब थे मैंने आपको बताया कि 1962 में इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हुआ जिसमें चाइना ने हमको बुरी तरह से हरा दिया फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ एट द टाइम द अवर प्राइम मिनिस्टर वॉज लाल बहादुर शास्त्री जी थे ठीक है तो उस समय मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही थी और कई सारे राज्यों में क्या पड़ रहे थे अकाल पड़ रहे थे अकाल मतलब ड्रॉट सूखे पड़ रहे थे ठीक है पानी नहीं बारिश नहीं हो रही थी ठीक है तो दिक्कत हो रही थी तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब नाइनटीन वाला उसके बिटवीन में आया नाइनटीन सिक्सटी टू तक ये जो सिचुएशन थी और ख़राब हो गई और पूरे देश में अकाल की स्थिति बन गई मतलब सूखा पड़ने लगा ड्रॉट हो गया पानी नहीं गिरता था तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी सिचुएशन में क्या किया कि जो हमारी भारत सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि विदेशों से क्या मंगवाया हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए जिनको हम एच वाई वी मतलब हाई एल्डिंग वेराइटीज सीड भी कहते हैं ठीक है तो अब ये मंगवाए क्यों क्योंकि हमारे इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था ठीक है तो फिर क्या किया जब मंगवाए तो सबसे पहले एच वाई वी को बाहर, मतलब भारत में सात राज्यों में इस्तेमाल किया गया और ये प्रयोग क्या हुआ सफल रहा यह प्रयोग जब सफल रहा तो ठीक है अडॉप्ट कर लिया गया अब देखिए मेन रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन का काम क्या था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना क्योंकि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था 1960 वाले डिकेड में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था कारण मैंने आपको बता ही दिया ठीक है उसी समय में लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन भी दिया था आपको याद होगा जय जवान जय किसान क्योंकि उधर युद्ध भी चल रहा था तो जवान लड़ रहे थे सैनिक और इधर किसान जय किसान मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कमी थी तो किसान लोग बेचारे मेहनत करके एग्रीकल्चर में क्या कर रहे थे अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर को बना रहे थे कि अच्छा हो जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े तो ये था एग्रीकल्चर ये था ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है अब इसके पॉइंट क्या हैं ये आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं और सिंपल से हैं मैं बस सिंपल पॉइंट समझा देता हूँ ठीक है चलिए तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग नाइनटीन सिक्सटीज़ द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई आर्डिंग वैरायटी सीड जैसा कि बताया कि गवर्नमेंट ने क्या मंगवाया एच आई वी सीड मंगवाए फर्टिलाइजर्स मंगवाए पेस्टिसाइड मंगवाए एंड बेटर इरिगेशन एट हाली सब्सिडीज प्राइस दिस वॉज टम डेज ग्रीन रेवोल्यूशन इसी को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरा पॉइंट क्या है देखो एक चीज़ थी कि द रिच पीजेंट्स एंड द लार्ज लैंड होल्डर्स द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था रिच पीजेंट्स मतलब जो अमीर किसान थे लार्ज लैंड होल्डर्स थे मतलब जो जमींदार थे जिनके पास ज्यादा जमीनें थी सबसे ज्यादा फायदा उनको हो रहा था ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या था कि कुछ रीजन कुछ जगह जैसे पंजाब हो गया हरियाणा हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया ये मतलब इनमें जब ये यूज किया गया ये एच बाई वी सीड्स तो ये प्रॉस्परस हो गए मतलब अच्छे हो गए ठीक है वाइल अदर्स रिमेंड बैकवर्ड लेकिन जिन पे नहीं किया गया वो बैकवर्ड ही रह गए उनमें एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होती थी अगला पॉइंट देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था एक बदलाव लाने के लिए एग्रीकल्चर ठीक है, in food grain. और grain revolution में कौन सी फसल के लिए किया गया था? मतलब राइस मतलब चावल ठीक है? इन दोनों के लिए ही किया गया था किसके High varieties, HYV seeds के द्वारा फर्टिलाइजर्स के द्वारा एंड साइंटिफिक इीगेशन के द्वारा ठीक है तो ये था आपका चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वाइट रेवोल्यूशन इसको आपके अपनी बुक से पढ़ना है पेज नंबर सिक्सटी वन सेकेंड बुक से इसमें मिल्क के बारे में बताया गया है मिल्क ऑपरेशन इसमें ऑपरेशन फ्लड है वाइट रेवोल्यूशन है और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत के मिल्क मैन किस को जाना जाता है वर्गीज कुरियन के बारे में जाना बोला जाता है वर्गीज कुरियन को बोला जाता है पेज नंबर सिक्सटी वन से आपको ये पढ़ना है चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके इस वीडियो से और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए ठीक है और चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा चलिए धन्यवाद